Dear CA final students, SCMPE, costing, big subject. I'm trying to prepare some revision videos for you all, taki all the important concepts can be covered up in the shortest possible time that is there. Make use of these videos, you can send it to your friends also, but it will help you to revise all the concepts that we all have done of more than 500 questions within a short time. Okay, let's start away. Aaj ka apna jo first part hai, this is one part on मेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग. वो हमारा फर्स्ट चैप्टर भी था शायद. याद रखना तुम्हारा जो सिलेबस है दैट इज नॉट मेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आपका जो सिलेबस है दैट इज बेसिकली हाउ टू डू डिसीजन मेकिंग. बट बिफोर वी केम अक्रॉस दैट इन चैप्टर नंबर टू, हमारा जो चैप्टर नंबर वन था दैट वॉज ओनली अबाउट वन स्मॉल थिंग, एंड दैट स्मॉल थिंग वॉज हाउ टू मेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवे विद द रिविजन एज सच. ओके, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. फर्स्ट रूल, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाइज टू फिक्स्ड ओवरहेड्स. दैट वॉज अ फर्स्ट रूल. इट ओनली अप्लाइज टू दोज फिक्स्ड ओवरहेड्स विच आर डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन. सो देयरफॉर देयर इज ओनली वन ओवरहेड्स दैट इज डिपेंडेंट अपॉन your production and that is fixed factory overhead. So absorption costing sirf usi cheez ko apply hota hai. Absorption rate kaise compute ho jata hai? On the first day tum log socho tumhara fixed factory overheads ka kharcha kitna hoga. Uske baad ye cheez bhi socho, is saal ke andar tumhara level of activity kya hoga. To maine socha mera fixed overheads ka kharcha 1 lakh rupees ka hoga. मैंने सोचा इस साल 25,000 यूनिट्स बना देंगे, तो एब्जॉर्प्शन रेट इज 4 पर यूनिट. एब्जॉर्प्शन रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अकाउंटिंग रेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एप्लीकेशन रेट, ऑल्सो कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन रेट, रिकवरी रेट, चार्जिंग रेट, आपको जो भी बोलना है. दिस 4 पर यूनिट ओनली मीन्स वन स्मॉल थिंग, दैट इज जब भी एक यूनिट बनाओगे चार्ज 4 रुपीज इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ये जो है कभी भी अगर आप लोग डिनोमिनेटर यूनिट्स के अंदर वो डालोगे, इट विल बी कॉल्ड एज आउटपुट मेथड. आउटपुट मेथड शुड ओनली बी फॉलोड बाय दोज कंपनीज विच मैन्युफैक्चर ओनली वन सिंगल प्रोडक्ट. आजकल बहुत सारी कंपनीज जो हैं, ओके, वो लोग एक प्रोडक्ट नहीं बनाते, कितने सारे प्रोडक्ट बनाते हैं. तो हमारे पास उनके लिए फिर और मेथड्स आ गए, मशीन आर मेथड, लेबर आर मेथड, लेबर कॉस्ट मेथड, मटेरियल कॉस्ट मेथड एंड लास्टली प्राइम कॉस्ट मेथड. तो आपका डिनोमिनेटर कैसे एक्सप्रेस होगा, अगर यूनिट्स के अंदर तो आउटपुट मेथड, अगर मशीन आर्स के अंदर तो मशीन आर मेथड, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, याद रखना चाहे आप जो मर्जी मेथड वो फॉलो करो, स्टिल आपको एक रेट ही बस वो मिलेगा. वो रेट तुम्हारा अकाउंटिंग रेट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर चार्ज कर देने का. ओके, वो वाला चीज हमेशा याद रखो. चलिए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग. ये आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर शायद बहुत बार ये वाला नाम वो आ जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग. चलो सुनो, हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो हमारे फ्यू स्टेप्स हम लोगों ने हर सम के अंदर वो फॉलो किए. फर्स्ट डे पर एब्जॉर्प्शन रेट निकालिए, एब्जॉर्प्शन रेट BOH अपॉन BLA जो ऊपर देखा. BLA के लिए देर आर 6 मेथड्स, फॉलो वन ऑफ दोज पर्टिकुलर मेथड्स. उसके बाद जैसे जैसे तुम्हारा प्रोडक्शन स्टार्ट होता रहेगा, जैसे जैसे तुम्हारा प्रोडक्शन वो बढ़ता रहेगा, एब्जॉर्प्शन रेट चार्ज करो. एग्जाम्पल, सोचा था 25,000 यूनिट्स वो बनेगा, सपोज 26,000 यूनिट्स बन गया. जब भी एक यूनिट बना, 4 रुपए एब्जॉर्ब किया, तो अमाउंट एब्जॉर्ब्ड विल बी कितना रुपीज यार, 1,04,000. दिस इज एब्जॉर्ब्ड अमाउंट. साल खत्म हो जाएगा, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट मिल जाएगा. साल खत्म हो जाएगा तो एक्चुअल अमाउंट भी तो मिल जाएगा. सपोज एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, सोचा था 1 लाख का खर्चा होगा, सपोज खर्चा 1,10,000 हो गया. एक छोटा सा चीज, अगर कभी आपको एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ऐसे एग्जांपल के ने नहीं दिया रहता, अज्यूम दैट एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स विल बी सेम एज बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, दैट इज 1 लाख रुपीज. ठीक है, वो चीज याद रखना. तो बस एब्जॉर्ब्ड अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट है. अगर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट कम है दिस इज कॉल्ड एज अंडर एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट वो ज्यादा है दैट विल बी कॉल्ड एज ओवर एब्जॉर्प्शन. और ये जो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन है उसके लिए बेटा देर आर 3 मेथड्स इन योर कॉस्ट शीट. विच 3 मेथड्स? यू हैव कैरी फॉरवर्ड मेथड, यू हैव एडजस्ट इन कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड,
And lastly, in this particular case, you have your supplementary method. These are the three methods that are there. In teenon mein se ek method follow karke apna cost sheet complete kar dena. Ek chota sa cheez. Agar CA final ke andar aisa question aaya, make cost sheet using absorption costing and then using marginal costing. To ek cheez yaad rakhna. Try karna ki carry forward method mat follow karo. Kyunki absorption costing vaise bhi bekar hai. Agar carry forward method wo karoge, it becomes worser. Okay, so try ki agar samne kuch nahi bola, follow one of these two methods. Theek hai, chaliye. Ye aapka inaugural part. Abhi uske baad, yehi cheez cost sheet ke na. To suno. Tumhara books of accounts absorption costing ke na kaise prepare hota hai? Direct material, opening stock plus purchases, less closing stock. So this is your actual raw material consumed, actual data. Uske baad actual direct labor, uske baad actual direct expenses, actual prime cost. Lekin suno. Uske baad fixed factory overheads. Isko to absorption costing applies. Jisko absorption costing will apply, uska pehle absorbed amount likha jata hai. Absorbed amount, upar maine example diya. Jab bhi ek unit banega, yahan par kitna rupees likh dene ka? 4 rupees. Aur kitne units produce hue the beta? 26,000. So therefore, yahan par kaun sa amount aa jayega? 1,04,000. Theek hai? To yaad rakhna, ye charo actual amounts hai beta. Lekin ye kaun sa amount hai? Ye wala jo amount hai, kaun sa amount hai? Absorbed amount. Theek hai? अभी उसके बाद अपने WIP स्टॉक्स अगर हैं तो वैल्यू कर लो. उसके बाद फिनिश गुड स्टॉक हैं तो अपने वैल्यू कर लो. COGS मिल जाएगा. उसके बाद एडमिन एंड S&D याद रखना, उनको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई नहीं होता. क्यों? क्योंकि दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन. तो इनका भी हमेशा एक्चुअल अमाउंट ही लिखा जाता है. सेल्स का भी एक्चुअल अमाउंट ही लिखा जाता है. तो ये तुमको प्रॉफिट मिल गया. ठीक है, तो सुनो. लेकिन ये प्रॉफिट तब तक है जब तक यहां पर कौन सा अमाउंट है बेटा? एब्जॉर्ब्ड अमाउंट. तो अपना अंडर एब्जॉर्प्शन भी तो था. कितने रुपीज का? 6,000. 6,000 के लिए तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास. तीन ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. कैरी फॉरवर्ड मतलब कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. तो फिर वो इस कॉस्ट शीट के अंदर नहीं आएगा. सेकंड, एडजस्ट इन कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्टिंग पीएनएल. अगर ऐसा करना है तो देखो, यहां पर तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है. इससे पहले मैं यहां पे लिख देगा एड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स. Obviously, कितने रुपीस का बेटा? 6,000. That is your second method, adjusting cost of sales. और तुम्हारा last method, कौन सा method हो जाता है? Supplementary method. Supplementary method क्या बोलता है? जिधर जिधर absorbed amount गया, उधर उधर under या over absorption भी डाल दो. तो अगर यही मेरा supplementary method हुआ, तो under या over absorption उधर से निकलकर इधर आ जाएगा. ठीक है? तो अगर ऐसा करोगे, this particular thing will be nothing but your supplementary method. बस जरा याद रखना. हर एक ट्रीटमेंट के साथ ना बेटा, तेरा स्टॉक्स का जो वैल्यूएशन है वो बदलता रहेगा. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल. ठीक है? तो अपना 6,000 पीस का ट्रीटमेंट क्या करना है वो कर लो. उसके हिसाब से स्टॉक्स का वैल्यूएशन कर लो. उसके बाद ये जो प्रॉफिट आ जाएगा, दैट विल बी प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ठीक है, खत्म हो गया. नाउ अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग. मार्जिनल कॉस्टिंग का एक ही फंडा है अपना. फंडा क्या है? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स इस पीरियड का कॉस्ट है. अगर वो इस पीरियड का कॉस्ट है तो आप उसको राइट ऑफ कर दो. तो हम लोग उसको राइट ऑफ कर देगा. क्यों? हम लोग उसको COGS के नीचे लिख देगा. क्यों? क्योंकि इट इज अ पीरियड कॉस्ट. तो वो इस साल का खर्चा है, ये कॉस्ट शीट इस साल का है. तो पूरा का पूरा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स ऊपर से निकल के नीचे आ जाएगा. याद रखना, ये मार्जिनल कॉस्टिंग है. एब्जॉर्प्शन रेट करके कुछ नहीं होता, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट करके कुछ नहीं होता, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं होता. फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का जितना भी आप लोगों ने खर्चा किया, सारा का सारा एक्चुअल अमाउंट यहां पर आ जाएगा. तो ऊपर सिर्फ कौन से ओवरहेड्स आ जाएंगे बेटा? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स. ये कर लो. Obviously, in that particular case, तुम्हारा यहाँ पे नया profit आ जाएगा. This new profit in this particular case will be your profit as per marginal costing. Absorption costing का profit अलग आएगा, marginal costing का profit अलग आएगा. ठीक है? हमेशा, यहाँ एक exception है, अगर stocks नहीं हुए तो obviously तुम्हारे profit same आ सकते हैं. ठीक है? चल, ये वाला काम तुम्हारा हो गया. To end with this particular chapter, absorption costing. Fixed overheads treated as a product cost. तो एक चीज जरा याद रखना, हमारे next chapter के लिए अगर कभी भी तुम लोग को fixed cost per unit ऐसा दिया हुआ ना 4, तो समझ जाना वो absorption rate ही होगा. तो फिर sum पढ़ के सोचने का, 4 rupees कैसे compute हुआ था?
कंपनी ने क्या किया रहेगा, अपना फिक्स्ड ओवरहेड्स का एस्टीमेट मारा होगा, अपना यूनिट्स का एस्टीमेट वो मारा होगा। तो याद रखना, तुम्हारे लिए फिक्स्ड ओवरहेड्स कभी पर यूनिट नहीं होता, तुम्हारे लिए इट शुड बी ओनली अ लम सम कॉस्ट। तो अगर कभी 4 दिया तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए 4 × 25,000 करके पता लगा लेना कि कंपनी का फिक्स कॉस्ट का खर्चा कितने रुपीस का था, ठीक है? वो एक चीज तुमको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर काम में आएगा, अभी के लिए आई कंटिन्यू। सो फिक्स्ड ओवरहेड्स विल बी ट्रीटेड एज विच कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, बट हियर इट इज ट्रीटेड एज विच कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट। सेकंड, फिक्स्ड ओवरहेड्स राइट ऑफ नहीं होता क्योंकि स्टॉक के अंदर वो चला जाता है, लेकिन यहां पर तो राइट ऑफ हो जाता है। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स तो रॉन्ग ही आएंगे क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स राइट ऑफ नहीं हुआ, लेकिन यहां पर तो करेक्ट ही आएंगे। अगर तुम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट कम हो जाएगा, अगर कम हो जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सो प्रॉफिट राइजेज व्हेन सेल्स, सॉरी व्हेन प्रोडक्शन राइजेज, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट विल राइज ओनली व्हेन सेल्स विल राइज। ऑब्वियसली स्टॉक्स के अंदर सारा का सारा कॉस्ट आएगा, सो स्टॉक्स आर वैल्यूड एट फुल कॉस्ट, हियर स्टॉक्स आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लाइफ के अंदर तुमको एक ही चीज़ के लिए काम में आता है, मेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग तुमको डिसीजन मेकिंग के लिए ही ज़्यादा काम आता है। याद रखना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अलाउड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स एज वेल एज कॉस्ट अकाउंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 मार्जिनल कॉस्टिंग अलाउ नहीं करता, सो देयरफॉर हम लोग कॉस्टिंग बुक्स हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग जो है, मतलब सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर ही अलाउ होता है। इन फाइनेंशियल अकाउंट्स योर मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 या इंड एएस 2, ठीक है? चलिए, now this was your first series of the lectures on how to make books of accounts using absorption and marginal costing. This is where we end this particular part. See you all in the next lecture.